हमारी इस वक्त की लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग है स्टैंडर्ड मॉडल के ऊपर बेस्ड, जिसके जिसको चैलेंज किया है बहुत सारे साइंटिस्ट ने, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट दुनिया के मानते हैं कि पूरे कॉस्मोस की शुरुआत एक बिग बैंग से हुई थी। बिग बैंग उसका गलत नाम पड़ गया क्योंकि होयल एक साइंटिस्ट थे जो बिग बैंग की थ्योरी को नहीं मानते थे, और उनके सारे स्टूडेंट्स नहीं मानते जिनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ब्राइट स्टूडेंट्स कैम्ब्रिज के जो उनके साथ काम करना चाहते थे, जिनमें एक नाम स्टीवन हॉकिंस का भी था, और उनको वो नहीं कर पाए काम क्योंकि बहुत उन्होंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम के दौरान इस्तेमाल किया था बिग बैंग का शब्द, जो चिपक गया इस थ्योरी के साथ, जिसको बाद में इन्फ्लेशन थ्योरी का नाम दिया गया। ये थ्योरी ये कहती है कि तकरीबन 13.5 से लेकर के 13.8 तक असेसमेंट है, इतने बिलियन ईयर्स पहले देयर वाज नो कॉस्मोस। मैं नॉर्मली जब इस तरह से शुरुआत करता हूँ तो स्कूल्स में बच्चों से ये कहता हूँ कि आंखें बंद करो, सोचने की कोशिश करो कि देयर वाज नथिंग, एंड व्हेन आई से नथिंग देन इट मींस नथिंग, विच मींस कि कॉस्मोस नहीं था, तारे नहीं थे, ज़मीन नहीं थी, सूरज नहीं था। लेकिन ये इमेजिन करना आसान है, जो इमेजिन करना बहुत मुश्किल है वो ये है कि वक्त भी नहीं था। चलिए वक्त भी मान लेते हैं, इमेजिन कर लेगा कोई। सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है इमेजिन करना कि स्पेस भी नहीं थी। तो अगर मान लें जो साइंटिस्ट कह रहे हैं आजकल के स्टैंडर्ड मॉडल जिसे हम कहते हैं, उसमें कुछ था ही नहीं, और जो कुछ है वो सब एक ऐसे बिंदु पर, ऐसे नुक्ते पर, ऐसे शून्य पर कॉन्सेंट्रेटेड था जहाँ एनर्जी भी नहीं थी और मैटर भी नहीं था, और वो बिंदु भी डायमेंशनलेस था, यानी उसकी भी अपनी कोई डायमेंशन नहीं थी, उसकी लंबाई चौड़ाई। इसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं फिजिक्स में, पर सिंगुलैरिटी को डिफाइन करने की जो कोशिशें हैं उनमें कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि अगर ऐसी कोई स्पेस हो जिसमें हम किसी भी तरफ, किसी भी डायमेंशन में ऊपर नीचे इधर उधर देखें, तो हर तरफ कोई बदलाव ना आए, सिवाय डायमेंशन के कोई चीज़ चेंज ना हो, तो उसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। These are difficult notions and difficult concept. पर ये expansion होता है, right? और इस expansion के बाद जो temperatures हैं वो बहुत high, जो particles हैं उसमें antiparticle और particle बराबर के ratio में create हो रहे हैं, और इनमें एक टग ऑफ वॉर है, रस्साकशी हो रही है। ये रस्साकशी ऐसी है कि वो उनको ख़त्म कर रहे हैं, वो उनको जन्म दे रहे हैं, जन्म हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं, और इस रस्साकशी में कहीं जो मैटर है वो एंटी मैटर से फ्रैक्शंस ऑफ में जीत जाता है, बहुत ही मतलब ज़रा सा उसको एज मिल जाती है, और ये एज जो है ये सब कुछ इसके बाद बदल जाता है। ये एक्सपेंशन होता है तकरीबन 1 बिलियन 2 बिलियन साल गुजर जाते हैं, ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर्स, जिसके बाद पार्टिकल्स बड़े हिस्से में फैल चुके हैं, टेम्परेचर लो हो गया है, हाइड्रोजन हीलियम प्रोड्यूस हो चुकी है, और इस बीच में ही ग्रेविटी को भी जन्म मिलता है। कितना भी डिस्टेंस हो, कैसा भी मटेरियल हो,
ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा पॉजिटिव है। एफ इज इक्वल टू एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों के बीच का, कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो। और इसके बाद गैलेक्सीज का पीरियड तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स और निकल जाते हैं। ये पीरियड है जब गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हो रही है, स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। यही पीरियड है हमारे सोलर सिस्टम के बनने का, उसकी शुरुआत का, 4 पॉइंट समथिंग बिलियन ईयर्स। धरती बनती है, ये भी उतनी गर्म है जितनी सूरज है शुरुआत के पीरियड में। ये धीरे धीरे ठंडी होती है, इसके ऊपर चेंजेस आते हैं, पानी बनता है, बहुत सारा पीरियड निकल गया। लाइफ ऑलमोस्ट शुरुआत के 1 बिलियन ईयर्स में जब रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके फौरन बाद ही लाइफ के ट्रेसेस मौजूद हैं इस धरती के ऊपर। लेकिन लाइफ की फॉर्म्स को शेप लेने में जब तक पानी नहीं बनता है तब तक नहीं बनती। हमें ये मालूम है कि यूनिसेल्युलर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसके बाद मल्टीसेल्युलर बनते हैं, और उसके बाद तरह तरह की शेप्स में लाइफ इस धरती पे पैदा होती है। बहुत सारा पीरियड और निकल जाता है, और तकरीबन 2.5-3 लाख साल पहले इंसान के जो पूर्वज हैं वो पैदा होते हैं। उन पूर्वजों में एक अजीब सी कुछ चीज़ होती है जिसके बारे में बहुत सारी थियोरीज हैं, पर कोई भी पूरी तरह से एक्सेप्टेबल थियोरी नहीं है, कि उनका दिमाग बड़ा हो जाता है एकदम से, और तेज़ी के साथ जो ब्रेन का साइज़ और वॉल्यूम है बहुत तेज़ी के साथ बड़ा हो जाता है एक पीरियड। अब ये बड़ा दिमाग जो है ये इंसान की तरक्की की नई राहें खोल देता है। अब से तकरीबन 2.5-3 लाख साल पहले एक पीरियड ऐसा था जब धरती पर इंसानों की आबादी बहुत थ्रेटेंड थी, शायद हम जिंदा नहीं रह पाते, बहुत सारी स्पीशीज़ ख़त्म होगी, शायद हम जिंदा नहीं रह पाते और ख़त्म हो जाते, जब लगभग 2000 के करीब इंसान बचे थे। बहरहाल वो पीरियड निकल जाता है, और बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रेन हमारा जो बॉडी का वॉल्यूम है और वेट है, और जो ब्रेन का वेट है, इन दोनों के रेशियो में एक अजीब सी तब्दीली है जो नेचर के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ जाती है। ब्रेन सबसे ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है बॉडी की, और बाकी ऑर्गन्स को छुट्टी मिल जाती है दिल के अलावा, लेकिन ब्रेन को कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो ऑलमोस्ट ये बॉडी का ये जो हिस्सा है, इससे ऊपर और इससे नीचे ऑलमोस्ट 50% एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम स्पेंड करते हैं। तो ये बहुत अजीब बात है कि इतना बड़ा ब्रेन नेचर को इंसान को देना ही नहीं चाहिए था, इट गोज अगेंस्ट ऑल लॉजिक, बट इट हैपेंड समहाउ। एंड देन वी वर लिविंग इवन एट दैट टाइम इन ट्राइब्स, प्रॉब्ली बहुत सारे जानवर हैं जो छोटी छोटी ट्राइब्स में रहते हैं, उसकी अपनी एक एनर्जी कंजर्वेशन की लॉजिक है, जो बहुत सारी लेटेस्ट रिसर्चर्स हैं वो बताती हैं कि ट्राइब्स में रहने से कुछ चीज़ों को, जैसे शहद की मक्खी है या दीमक है, चींटियाँ हैं, इनको एडवांटेज मिलती है टू डू थिंग्स टुगेदर। पर इंसान इससे ये खात आ गया था, वो चीज़ों को नेचर ट्रिगर्ड तरीके से खाली एक साथ नहीं रह रहा था, वो नेचर ट्रिगर्ड से एक कदम आगे बढ़ गया था। शायद हमारी जो
हार्ड डिस्क थी यहाँ पर, वो उस क्वालिटी की थी कि हम कोऑर्डिनेशन सिर्फ नेचर ट्रिगर्ड नहीं था, इन सर्टन केसेस इट वाज वेल थॉट ऑफ। मैंने बहुत कोशिश की ये जानने की कि इंसान ने सवाल कब पूछने शुरू किए। इसका बड़ा सीधा ताल्लुक है इससे कि क्या जानवर सवाल पूछते हैं। पर मुझे जो कॉग्निटिव रिसर्च हो रही है दुनिया में, उसमें कहीं इसका कोई जवाब नहीं मिला है। फिलोसोफर्स क्या नहीं मिला है, पेलियो ऑन्टोलॉजिस्ट क्या नहीं मिला है। सबसे बड़ा ख़तरा इंसानों को हाइना से था। बहुत ही अद्भुत बात है, मैं साउथ अफ्रीका में था, क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी एक जगह कहलाती है वहाँ पर, मारुपेंग उस जगह का नाम है। मारुपेंग में कुछ गुफाओं में फॉसिल्स मिले। पहली एक औरत का फॉसिल है, पूरा नहीं है, स्कल है। उस फॉसिल को ये मानते हैं कि सबसे पुराना वो है, मतलब ढांचा जो हमें मिला है, और वो किसी औरत का है जो छोटे कद की रही होगी। वो जब मैंने हाथ में लिया, ये दोस्त लेके गए थे, उसकी सिक्योरिटी उतनी है जितनी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी है वहाँ के, तो दोस्ती में वो लेके चले गए थे, बाहर से आया हूँ मैं। सो मुझे लगा कि यहाँ तक नीचे तक करंट जा रहा है, व्हाट एम आई होल्डिंग। लेकिन उससे ज़्यादा ताज्जुब मुझे तब हुआ जब वहाँ उसी स्ट्रॉन्ग रूम में छोटे इतने बड़े ब्रेन के फॉसिल्स थे। ब्रेन के टिश्यूज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा डेलिकेट टिश्यूज़ हैं, उसका फॉसिलाइजेशन होना बहुत ही मुश्किल काम है, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फॉसिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि डिहाइड्रेशन हो, यानी वो किसी ऐसे मटेरियल पे गिरें कि वो टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं, इकट्ठा हो, फौरन ही उसका डिहाइड्रेशन हो जाए और तब फॉसिलाइजेशन। पर हैं, ये चमत्कार तो हुआ। तो मैंने कहा ये हुआ कैसे। वहाँ प्रोफेसर थैचर थे, तो उन्होंने कहा कि ये हाइना आया करते थे, वो उन स्कल में उन्होंने दांत दिखाए और हाइना के जॉ से वो दांत फिट हो जाते हैं। वो बच्चों के ख़ास तौर से उनको अटैक करते थे और स्कल पे अटैक करके वो सबसे पहले ब्रेन खाने की कोशिश करते थे। तो उन गुफाओं में गिर जाता था कभी, और नीचे चूना ही चूना है, तो उसमें फॉसिलाइजेशन हो गया। वो चूना है, फॉसिलाइजेशन है, और हमने एज ह्यूमैनिटी वहाँ जाके वो खोद के निकाल भी लिए। तो इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ज़रूर रही होगी। प्रॉपर्टी का कोई नोशन का सवाल पैदा नहीं होता, बिकॉज जितना खाया उतना खाया, जो काम कर सकता है खा सकता है, शिकार कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, वो ज़िंदा है, जो नहीं कर सकता वो ज़िंदा नहीं। इस तरह का कुछ सोशल स्ट्रक्चर शायद रहा होगा। सो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है अब वो अलग तरह की होगी, उसकी ज़रूरतें अलग, जो सवाल पूछे जाएंगे वो अलग तरह के होंगे जो अब से पहले नहीं पूछे गए। जब हम आसमान को देखेंगे तो एक अलग तरह से देखेंगे, क्योंकि आग की ज़रूरत अलग है। और जब सभ्यताएं एक दूसरे से मिलेंगी जो एक दूसरे से दूर दूर हो गई, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, क्योंकि अब रिकॉर्ड्स मौजूद। तो कहाँ कौन सी जगह से निकल रहा है सूरज, कौन सा तारा कहाँ है, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया होगा। और इस एक्सचेंज में ये पता लगा कि जो चपटी ज़मीन थी वो गोल हो गई। अभी तक ज़रूरत नहीं थी ज़मीन को गोल, क्यों, इसलिए गोल हो गई कि अभी तक सूरज एक तरफ से निकलता था, दूसरी तरफ डूबता था। जहाँ इंसान करीब थे समंदर के, वहाँ समंदर में जाके नहा के अगले दिन वापस आ जाता था।
और जहाँ पहाड़ हुआ करते थे वहाँ पहाड़ों के पीछे से वापस लौट के आ जाता था। दिस वॉज गुड इनफ एक्सप्लेनेशन, ये मॉडल ठीक था उस वक्त का। लेकिन इस मॉडल में एक प्रॉब्लम ये हो गई कि चाइना में सूरज 1 जुलाई को अलग जगह से निकल रहा था, इंडस वैली में अलग जगह से निकल रहा था, मेसोपोटामिया में अलग जगह से निकल रहा था, इजिप्ट में अलग जगह से निकल रहा था। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर ये चपटी है ज़मीन तो इसका एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं। चपटी ज़मीन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ज़मीन गोल हो। आई एम नॉट गेटिंग इन टू डिटेल्स क्योंकि वो लंबा किस्सा हो जाएगा, हैव टू कवर अ लॉट। ये मॉडल एक खूबसूरत मॉडल, बढ़िया एक्सप्लेनेशन है आपके पास। ज़मीन गोल है, चांद तारे ऐसे करके चक्कर लगाते हैं, ये एरिस्टोटल ने इसको प्रोपेगेट किया मॉडल को और इसको मास्टर किया टॉलमी। टॉलमी ये हम बात कर रहे हैं 400 BC एरिस्टोटल और उसके बाद टॉलमी है। इस मॉडल में क्या खूबसूरती है? मॉडल में खूबसूरती यह है कि सेलेस्टियल स्फीयर्स हैं बाहर, सेलेस्टियल स्फीयर्स में तारे जड़े हुए हैं, ये सेलेस्टियल स्फीयर्स पारदर्शी हैं, क्रिस्टलाइन हैं, रिजिड हैं और इनके बाहर भगवान बैठा हुआ चला रहा है इन सेलेस्टियल स्फीयर्स। बीच में सेंटर में धरती है। अगर सारे तारे एक चाल से नहीं चल रहे हैं, कोई नया मिल गया ऐसा हेवनली ऑब्जेक्ट जो अलग चाल से चल रहा है, तो एक सेलेस्टियल स्फीयर आसमान एक और बढ़ा दो। ये रिजिड हैं और इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं और उनमें जड़ी हुई है चीज। तो आखिरी जो आसमान है टॉलमी का, उसमें तारे जड़े हुए हैं और उसके अलावा 7 और हैं शुरू में, लेकिन दे गो अप टू 52 आसमान जो टॉलमी का मॉडल है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। पर ये 7 आसमानों वाला चक्कर बहुत बढ़िया चक्कर है। सारे धर्मों, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म, ज़ोरास्ट्रिज्म एंड एनी अदर रिलीजन दैट यू कैन थिंक ऑफ, सब ने इस मॉडल को लॉक स्टॉक बैरल ले लिया, 7 के ऊपर फ्रीज कर दिया। 7 प्लैनेट्स हैं, 7 आसमान हैं, हेवनली बॉडीज, 2 सूरज चांद और 5 और बाकी तारे। दिस मॉडल इज अ रोबस्ट ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेटरी मॉडल। इस मॉडल में जितना कुछ उस वक्त का डेटा है, जो कुछ ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है, सब फिटिंग हो जाता है। कुछ ऐसा नहीं है जो इससे बाहर। तो एक साहब हैं जिन्होंने ऑब्जर्वेशन ये दी कि भाई कुछ ऐसे हेवनली बॉडीज हैं जो नॉर्मली तो यूं चलते रहते हैं धरती के चारों तरफ, पर एक बहुत छोटे पीरियड के लिए वापस चले जाते हैं, एक छोटा सा लूप बना के और फिर चलना शुरू कर देते हैं। ये उल्टा चलना जो है ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल, यू जस्ट कांट एक्सप्लेन थ्रू दिस मॉडल। तो एक साहब हैं कॉपरनिकस, कॉपरनिकस साहब जो हैं वो बहुत धर्म के मानने वाले, सेमिनरी में उनकी सब कुछ परवरिश हुई, बहुत गॉड फियरिंग आदमी हैं, पर वो धीरे 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 ये रियलाइज़ करते हैं कि ये धरती तो नहीं है सेंटर, सेंटर में नहीं, जियोसेंट्रिक मॉडल जो है उसमें सीरियस एनामलीज, क्योंकि जो लिखा है उसके हिसाब से धरती सेंटर में ही है और फ्लैट है।
तो ये तो गोल भी कर दिया जो उससे पहले हो चुका था, और वो भी सेंटर से भी हटा के कहीं कोनारे पे तुमने डाल दिया, ये क्या तरीका है? ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर अब एक बड़ा और साइंटिफिक धर्म संकट शुरू हो गया इसके साथ साथ। अब कौन सी चीज़ है जो रोकेगी, चीज़ों को इकट्ठा कैसे रखेगी? ये सूरज रोज़ कैसे निकलेगा, चांद रोज़ कैसे निकलेगा, सितारे अपनी जगह पे क्यों होंगे? अब क्या करें? अब सब कुछ आज़ाद है, आज़ाद है तो उसको या तो एक जगह आके मिल जाना चाहिए या चला जाना चाहिए एक दूसरे से। कौन सी चीज़ है जो इसको चला रही है? ये साइंटिफिक सवाल भी, और इस साइंटिफिक सवाल का जवाब देने के लिए न्यूटन जैसा दिमाग चाहिए। न्यूटन प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन विच इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेविटी, सिंपल इक्वेशन जिसको मैंने जिक्र किया, जी या एफ जो भी कहें हम उसे, इज इक्वल टू एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सारी चीजों को एक फोर्स बांध के रखे हुए, लेकिन अब एक अजीब चीज ये हो गई कि इससे पहले तक आप कह सकते थे कि पत्ता भी खड़कता है तो भगवान की मर्जी से खड़कता है। अब ये पार्टिकल्स आजाद हैं और सिर्फ न्यूटन्स लॉस को ओबे कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल लॉस को ओबे कर रहे हैं। अब कुछ भी समझने के लिए, कुछ भी जानने के लिए, कुछ भी रिसर्च करने के लिए आपको धर्म या भगवान की जरूरत नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? तब ये कितना बड़ा बदलाव। इससे पहले भगवान की जरूरत है, मोटर कैसे चल रही है, भगवान की मर्जी से चल रही है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, भगवान की मर्जी से बोल रहा हूँ, कोई पार्टिकल इधर से उधर जा रहा है, धरती कैसे चल रही है, ये वो वगैरह वगैरह, सबके लिए भगवान की जरूरत है। खुदा की जरूरत है, गॉड की जरूरत है, अल्लाह की जरूरत है, किसी ना किसी फोर्स की जरूरत है, पावर की जरूरत है। अब समझने के लिए कोई जरूरत ही नहीं, अब इंडिपेंडेंटली आप रिसर्च कर सकते हैं। सो द अथॉरिटी ऑफ चर्च इज गॉन, यू डोंट हैव टू गो नाउ टू सम पोप के साहब मैं बोलूं मुंह से निकालूं या ना निकालूं, रिसर्च तो कर ली, ये रिजल्ट्स आए, बताऊं नहीं बताऊं, अब जरूरत है। दिस इज अ मेजर बिग चेंज विच हैज कम बिकॉज ऑफ वन सिंपल ऑब्जर्वेशन। पर न्यूटन साहब ने भी एक गलती कर दी, उन्होंने कहा कि सारे जितना भी कॉस्मॉस है उसमें सब चीज़ें एक दूसरे को बांध के रखे हुए हैं। लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया अभी न्यूटन के ज़माने में, पर न्यूटन ने और ज़्यादातर साइंटिस्ट ने ये बात नहीं मानी। और इस नतीजे तक पहुंचने के लिए जहां से मैंने शुरुआत की थी कि सब कुछ एक पॉइंट पे था, हमें हबल की ज़रूरत पड़ी, हबल के ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ी। उससे पहले साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट कर दिया था जिनकी बात नहीं मानी गई थी, लेकिन हबल की ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट को अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना पड़ा कि सारी गैलेक्सीज बड़ी तेज़ी के साथ एट एक्सेलरेटिंग रेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो फिर कभी ना कभी वो सब कुछ एक जगह रहा होगा। साइंस में अगर हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो पहली चीज़ ये है कि साइंस नाम है एवर ग्रोइंग बॉडी ऑफ नॉलेज का। हम साइंस में सवाल पूछते हैं, सवालों का जवाब देते हैं जो बदलने वाला होता है, कोई फाइनल जवाब नहीं होता। हम एक मेंटल मॉडल तैयार करते हैं जो डेटा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, पहले ज़मीन चपटी थी, फिर गोल हुई, फिर उसके बाद एक और मॉडल आया जिसमें ज़मीन सेंटर से निकल के सूरज के चारों तरफ चली गई, फिर सूरज गैलेक्सी के पेरिफेरी पे पहुंच गया, फिर पूरी हमारी गैलेक्सी कहीं कॉस्मॉस के बीच में
हंसी हुई तेजी से दूर जाती हुई गैलेक्सी। यानी सवाल क्या था जो शुरुआत में इंसान ने पूछा होगा, ये कॉस्मोस कैसे ऑपरेट करता। जवाब क्या था, फ्लैट है जमीन, सूरज इधर से निकलता है इधर चला जाता है। फिर ये सवाल पूछा नए डेटा के साथ, जमीन गोल हो गई। जवाब क्या था, जमीन गोल है चक्कर लगा रहे सब। फिर ये कॉस्मोस, ये ब्रह्मांड कैसे ऑपरेट करता है, कैसे चलता है, क्या चीजें हैं, कैसा है ये। फिर उसके बाद एक नया मॉडल कि ये सूरज के चारों तरफ, उसके बाद का मॉडल सूरज भी सोलर सिस्टम का हिस्सा और गैलेक्सी का हिस्सा, फिर गैलेक्सी दूर जाती हुई, लगातार चेंजेस आ रहे हैं। सवाल एक ही है, ये कॉस्मोस कैसे ऑपरेट करता। जवाब अलग अलग वक्तों में अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, इसलिए कि कुछ डेटा है जो पुराने स्ट्रक्चर में फिट नहीं होगा। यानी हमेशा बदलती हुई नॉलेज बता रही है कि साइंस में कोई हमेशा का सच नहीं होता।